हाय, मैं हूं अपूर्व शेठ और आज हम बात करेंगे कॉल ऑप्शंस के बारे में। कितना अच्छा होता अगर एज अ ट्रेडर आपका रिस्क लिमिटेड हो लेकिन रिवॉर्ड अनलिमिटेड हो। चिट मैं जीता पट तू हारा, ये डायलॉग आपने सुना है। अगर नहीं सुना तो चलिए मैं आपको ये याद करवा देता हूँ इस क्लिप के साथ। चित में जीता और पट्टू हारा, ठीक है ना? हाँ, ठीक। नहीं, 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 इसे उल्टा कर, उल्टा। चलो यार, जो तो कहे वही सही। पट्टू हारा और चित में जीता, अब तो ठीक है ना? ये ठीक है। हाँ, ठीक है, ठीक है। ये सिक्का उड़ा और ये आइला। कोई बात, पट्टू हारा मतलब मैं जीता। रवीना मैं आया, रवीना मैं आया। चित वो जीता तो पट्टू जीता। थी ना ये काफी मजेदार मूवी। आई एम श्योर ये मूवी आपको भी उतनी पसंद होगी जितनी मुझे पसंद है। अब फॉर्चुनेटली इसमें जो बात आमिर खान ने कही थी, चिट मैं जीता और पट तू हारा, ये पर्टिकुलर चीज़ फाइनेंशियल मार्केट्स में एक्चुअली वैलिड है। ये फॉर्चुनेटली देर इज़ अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विच कैन डू एग्जैक्टली दिस पर्टिकुलर थिंग। तो कॉल ऑप्शंस यही करते हैं। कॉल ऑप्शंस लिमिट योर रिस्क एंड प्रोवाइड यू एन अनलिमिटेड रिवॉर्ड। सो व्हाट एग्जैक्टली आर कॉल ऑप्शंस, तो चलिए समझते हैं कॉल ऑप्शंस के बारे में। तो कॉल ऑप्शन इज एन ऑप्शन दैट गिव्स द बायर और होल्डर द राइट बट नॉट एन ऑब्लिगेशन टू बाय अ सिक्योरिटी एट अ पर्टिकुलर प्राइस विद इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। अब मुझे पता है कि ये काफ़ी जार्गनाइज्ड डेफिनेशन है, तो हम इसे साइड पे रखते हैं और सरल भाषा में समझते हैं कि कॉल ऑप्शन एग्जैक्टली है क्या। तो चलिए अब एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं कॉल ऑप्शन का। आई एम श्योर आप इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के साथ ज़रूर रिलेट कर पाओगे। तो लेट्स से कि आपको एक फ्लैट खरीदना है और आप एक बिल्डर के पास जाते हो। अब बिल्डर ने फ्लैट की कीमत लगाई है 10 लाख रुपए और वो पोजीशन देगा आपको एक साल बाद। तो अब बिल्डर आपको ये ऑप्शन देता है कि आप ये फ्लैट की बुकिंग कर सकते हो बाय गिविंग अ पेमेंट ऑफ एडवांस पेमेंट ऑफ 1 लाख रुपीज़। तो बाकी के जो 9 लाख रुपए हैं वो आप पोजीशन के टाइम पे दे सकते हो। तो ये काफ़ी आपको अच्छी ऑफर लगती है और आप इसे एक्सेप्ट करते हो। तो आप बिल्डर के साथ एक अग्रीमेंट साइन करते हो एंड यू क्लोज द डील। तो अब इसमें 3 सिनारियोज हो सकते हैं। तो पहले सिनारियो में बिल्डिंग बन जाती है, टाइम पर बन जाती है एंड द फ्लैट प्राइजेज आर ऑल्सो स्टेबल। तो आप 9 लाख रुपए बाकी के जो है वो दे के आप अपने फ्लैट का पोजीशन ले लेते हो। तो दिस इज़ अ वेरी सिंपल नॉर्मल ट्रांजैक्शन विच हैपेंस ऑन अ रेगुलर बेसिस। लेकिन अब सिनारियो 2 में देखते हैं कि लेट्स से के बिल्डिंग बन गई लेकिन जो फ्लैट के प्राइजेस है वो बहुत बढ़ जाते हैं। तो जो 10 लाख की कीमत लगाई थी एक साल पहले उसकी अब कीमत है 15 लाख रुपये। तो अब आपको क्या करना है, आप क्या करोगे? आप अपने 9 लाख रुपए एज पर दी अग्रीमेंट जो आपने बिल्डर के साथ अग्रीमेंट साइन किया था उस हिसाब से आपको 9 लाख रुपए देने हैं बिल्डर को और बिल्डर इज़ लीगली बाइंडेड टू डिलीवर द फ्लैट, टू गिव द पोजेशन ऑफ द फ्लैट एज सून एज ही रिसीव्स 9 लाख रुपीज़, राइट? तो ये इसमें आपका फ़ायदा हुआ। अब इसमें आप ये भी कर सकते हो कि आपको मान लीजिए कि फ्लैट नहीं चाहिए तो आप जो आपका राइट है टू एक्सेस द फ्लैट फॉर ₹10 लाख, यू कैन सेल दिस पर्टिकुलर राइट टू अ फ्रेंड और अ फैमिली मेम्बर। आप अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार को ये पर्टिकुलर राइट बेच सकते हो। तो आपने 1 लाख रुपए तो ऑलरेडी दिए हुए थे, अब आपको सीधा सीधा 5 लाख रुपए का तो प्रॉफिट हो ही रहा है। तो आप ये पर्टिकुलर जो राइट है किसी और को बेच सकते हो एंड यू कैन चार्ज एनीथिंग मोर देन 1 लाख रुपीज़, क्योंकि वो तो आपने ऑलरेडी दे ही दिया है तो आप उससे ज़्यादा तो डेफिनेटली आप मांगोगे। तो इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में आपका फ़ायदा हो रहा है और बिल्डर को एज पर हिज अग्रीमेंट ही हैज़ टू गिव द ओनरशिप ऑफ द फ्लैट टू यू और एनीवन हु हैज़ द राइट। तो इस पर्टिकुलर केस में आपने विदाउट टेकिंग एनी पोजिशन आपको सीधा सीधा काफ़ी अच्छा खासा फ़ायदा हो सकता है। अब तीसरे एग्जाम्पल में जाते हैं। तीसरे केस में ये होगा कि मान लीजिए बिल्डिंग रेडी हो गई, फ्लैट भी रेडी हो गया लेकिन फ्लैट के जो प्राइजेस है वो गिर जाते हैं। तो 10 लाख का जो फ्लैट की पहले कीमत लगाई थी वो अब 5 लाख रुपए हो जाती है। तो अब इस केस में क्या करोगे आप? क्या आप बाकी की पेमेंट दे के वो फ्लैट
10 लाख में लोगे? एब्सोल्युटली नॉट। आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि अगर मैं ये ट्रांजैक्शन या ये डील ना करूं तो भी मुझे फ़ायदा हो रहा है। तो अगर आप ये डील नहीं करते हो और मार्केट से डायरेक्टली फ्लैट लेते हो तो भी आपको 6 लाख रुपए में फ्लैट मिल जाता है। अगर आप बिल्डर से वो पुराना अग्रीमेंट के हिसाब से अगर करते तो आपको 10 लाख देने पड़ते, तो यू विल नॉट गो अहेड विद दैट अग्रीमेंट। तो इस केस में क्या होगा कि आप वो जो 1 लाख रुपए है वो जाने देंगे और बिल्डर वो 1 लाख रुपए ले लेगा एंड दैट विल बी फॉर हिम टू कीप विद हिम। तो भी इस पर्टिकुलर केस में आपको 4 लाख रुपए का तो फ़ायदा हो ही रहा है। तो ये अब आपको धीरे धीरे शायद समझ में आ रहा होगा कि चिट में जीता पट तू हारा कैसे हुआ। तो इस पर्टिकुलर केस में तीनों के तीनों सिनारियोज में आपका तो फ़ायदा हो ही रहा है। अब इसे मार्केट एग्जाम्पल के साथ समझते या कॉल्स के साथ समझते, हाउ आर कॉल्स एग्जैक्टली रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर थिंग। तो जो फ्लैट बायर था वो एक कॉल ऑप्शन का बायर है। सो बाइंग अ फ्लैट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू बाइंग अ कॉल ऑप्शन। तो जो फ्लैट बायर है वो कॉल ऑप्शन का बायर है, जो बिल्डर है दैट इज अ कॉल ऑप्शन सेलर, जो आपने 1 लाख रुपए एडवांस दिए थे वो एक कॉल ऑप्शन बाय करने का प्रीमियम है, फिर आपने जो 10 लाख रुपए पे डील फाइनल की थी दैट वाज द स्ट्राइक प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉल, जो पोजेशन डेट है 1 साल की वो कॉल ऑप्शंस के केस में एक्सपायरी डेट होगी, हर एक कॉल की एक एक्सपायरी डेट होती है, और जो मार्केट प्राइस है ये पर्टिकुलर फ्लैट का इन द कॉल ऑप्शन का केस इट इज़ द स्पॉट प्राइस या जो लाइव मार्केट में जो प्राइस चल रही है वो। तो अब आपको समझ में आएगा जो मैंने पहले डेफिनेशन आपको बोली थी कॉल ऑप्शन की, जहाँ पे अ कॉल इज एन ऑप्शन दैट गिव्स द बायर और होल्डर द राइट बट नॉट एन ऑब्लिगेशन टू बाय अ सिक्योरिटी एट अ पर्टिकुलर प्राइस विद इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। तो यहाँ पे जैसे कि आप बिल्डर के साथ डील कर रहे हो तो यू हैव द राइट बट यू आर नॉट ऑब्लिगेटेड, आपके ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको वो फ्लैट खरीदना ही पड़ेगा। तो सिमिलरली कॉल ऑप्शन में भी वैसा ही है, अगर आपने कॉल ऑप्शन बाय किया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वो पर्टिकुलर स्टॉक एट द डेट ऑफ एक्सपायरी आपको लेना ही पड़ेगा, यू कैन चूज टू लेट द कॉल एक्सपायर। अब ये चीज़ें आपको आगे समझ में आएगी कि लेट द कॉल ऑप्शन एक्सपायर का मतलब क्या होता है। तो इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए, कॉल ऑप्शंस और पुट ऑप्शंस ये दोनों ही थोड़े कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है बट मैं आपके लिए आसान बना दूंगा, लेकिन आपको अंत तक ये वीडियो ज़रूर देखना है। तो अब एक एग्जाम्पल लेते हैं निफ्टी का। तो आपने सुना होगा निफ्टी की ऑप्शन चेन होती है जो कि NSE की साइट पे अवेलेबल होती है। तो हम NSE की साइट पे जाके एक लाइव एग्जांपल लेते हैं और वहाँ से समझते हैं कि ये सारी चीज़ें कैसे काम करती है। तो अब ये मैं NSE की साइट पे आ गया। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है वो निफ्टी का हमने सिलेक्ट किया हुआ है और एक्सपायरी डेट जो कि है वो 27 मई 2021 की है। तो एक्सपायरी डेट इज़ द वैलिडिटी पीरियड ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट। तो जैसे बिल्डर ने जब हमारे साथ डील की थी तो पोजेशन की डेट थी 1 साल, वैसे यहाँ पे हर एक महीने और पिछले कुछ सालों में सेबी ने परमिशन दी है एक्सचेंजेस को वीकली बेसिस पे भी कॉन्ट्रैक्ट्स इशू करने की। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि वीकली बेसिस पे भी कॉन्ट्रैक्ट्स है और मंथली बेसिस पे भी कॉन्ट्रैक्ट्स है। तो ऑन द लास्ट थर्सडे ऑफ ईच मंथ ये कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपायर होते हैं। अब हमें एग्जांपल लेना है 14,000 के कॉल का। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कॉल्स और पुट्स दो अलग अलग डिविजन्स दिए हैं। तो लेफ्ट साइड पे जो होता है वो कॉल होता है और राइट साइड पे जो वैल्यूज़ और सारी डिटेल्स रहती है वो पुट्स की रहती है। तो हम इस वीडियो में कॉल्स पर ही फोकस करेंगे, मेरे अगले वीडियो में हम पुट ऑप्शंस के बारे में बातें करेंगे, तो तब हम ये राइट साइड वाली चीज़ों पर फोकस करेंगे। तो अब हम 15,000 के कॉल्स की डिटेल्स देखेंगे। तो जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको 15,000 की ये वैल्यू दिखेगी, ये स्ट्राइक प्राइस है। अब 15,000 की स्ट्राइक प्राइस के सामने आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो फिगर या प्राइस दिखेगी वो है लास्ट ट्रेडेड प्राइस विच इज़ करंटली रफली ट्रेडिंग अराउंड 137 रुपीज़। तो ये 137 रुपीज़ जो है वो प्रीमियम है।
अब अगर आपको ये 15,000 वाली कॉल्स अगर आपको बाय करनी है तो आपको ये 137 रुपीज देना होगा, तो 137 इंटू द लॉट साइज ऑफ निफ्टी विच इज 75, तो लगभग आपको 10,000 रुपये देने पड़ेंगे जिसके बाद आप ये कॉल बाय कर पाओगे। तो मान लीजिए अब आपने ये कॉल बाय कर लिया है और आप डिसाइड करते हो कि ये पूरी एक्सपायरी तक मैं ये कॉल को होल्ड करके रखूँगा, तो आपको बेनिफिट कब होगा या आपको फ़ायदा कैसे होगा, कब होगा? तो मान लीजिए अगर आपने ये कॉल एक्सपायरी तक होल्ड करके रखा है तो जैसे ही निफ्टी 15,000 के ऊपर निकलती है आपको धीरे धीरे बेनिफिट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए निफ्टी 15,000 का लेवल क्रॉस नहीं कर पाती है तो आपका जो लॉस है वो लिमिटेड ही रहेगा, आपको 10,000 रुपये से एक रुपया भी ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा। आपने जो प्रीमियम दिया हुआ है दैट विल बी द मैक्सिमम लॉस दैट यू विल हैव टू बेयर। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी अगर निफ्टी बढ़ती गई, अगर मान लीजिए निफ्टी 15,500 हो गई, तो आपका धीरे धीरे प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो आपके स्क्रीन पे मैंने एक निफ्टी ऑप्शन पे ऑफ चार्ट बनाया है, तो ये पर्टिकुलर चार्ट में आपको ये प्रॉफिट और लॉस आपको बताता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो 15,000 से जैसे ही निफ्टी ऊपर की तरफ निकलना शुरू होती है तो आपका जो लॉस है तो विच इज़ मैक्सिमम ऑफ 10,000 रुपीज़। तो कोई भी लेवल पे निफ्टी अगर मान लीजिए नीचे गिरती है तो आपका लॉस लिमिटेड विल बी लिमिटेड टू 10,000 रुपीज़। लेकिन एज सून एज निफ्टी क्रॉसेज 15,000 लेवल्स प्लस वॉट एवर प्रीमियम यू हैव पेड, तो आपने 137 रुपये एज प्रीमियम दिया है, तो जैसे ही निफ्टी 15,137 लेवल के ऊपर निकलना शुरू हो जाएगी तो आपको अनलिमिटेड रिवॉर्ड्स होने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। तो मान लीजिए अगर निफ्टी 15,500 पे क्लोज होती है 27 मई को तो आपका प्रॉफिट होगा अप्रॉक्सीमेटली 30,000 रुपीज़। तो आपने पे किए थे 10,000 रुपये और आपका मैक्सिमम प्रॉफिट होगा 30,000 रुपीज। दिस इज़ अ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ऑफ 1:3। आपका रिस्क है एक रुपया लेकिन आपका रिवॉर्ड अगर आपका व्यू सही जाता है तो वो होगा 3 रुपया। तो दिस इज़ अ वेरी गुड डील, दिस इज़ एज गुड एज सेइंग चिट मैं जीता और पट्टू हारा। तो ये हो गया एक तरीका कि आप एक्सपायरी तक कॉल ऑप्शन होल्ड करके रखो। लेकिन इसके अलावा भी काफ़ी लोग अलग तरीके से भी ट्रेडिंग करते हैं जिसमें कि वो काफ़ी शॉर्ट टर्म के लिए कॉल्स होल्ड करके रखते हैं। तो उस केस में वो कैसे प्रॉफिट बनाते हैं? तो निफ्टी की जो मूवमेंट है उसी के रिलेटेड या उसी से लिंक्ड कॉल ऑप्शंस की भी मूवमेंट होती है। तो अब आपके स्क्रीन पे मैंने निफ्टी की मूवमेंट और उसके साथ 15,000 के कॉल ऑप्शन के प्रीमियम की मूवमेंट प्लॉट की है। तो आप जैसे देख सकते हो कि जैसे जैसे निफ्टी बढ़ती है वैसे वैसे कॉल ऑप्शन के प्राइजेस भी प्रीमियम्स भी बढ़ते हैं। तो जो ये ग्रीन में आपको लाइन चार्ट दिख रही है वो निफ्टी के 15,000 स्ट्राइक वाले कॉल ऑप्शन के प्रीमियम की लाइन है, और ब्लू में जो आप देख रहे हो वो निफ्टी की मूवमेंट है या निफ्टी की स्पॉट निफ्टी की प्राइस मूवमेंट है। तो जैसे जैसे निफ्टी गिरती है वैसे वैसे उसका 15,000 के कॉल ऑप्शन का प्रीमियम भी गिरता है, और जैसे जैसे निफ्टी बढ़ती है तो वैसे वैसे 15,000 के कॉल ऑप्शन का प्रीमियम के प्राइजेस भी बढ़ जाते हैं। तो ये हो गए निफ्टी की मूवमेंट या निफ्टी की मूवमेंट के साथ साथ उसके कॉल की मूवमेंट। तो अब इसमें इंट्राडे ट्रेडर्स या काफ़ी शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि जैसे ही उन्हें लगता है कि निफ्टी यहाँ से ऊपर जा सकती है तो वो अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाने के लिए कॉल ऑप्शन बाय कर लेते हैं, क्योंकि कॉल ऑप्शंस में बहुत बड़ी मूवमेंट आ जाती है काफ़ी शॉर्ट टाइम पीरियड में। तो दिस इज़ वन ऑफ द इंटरेस्टिंग वे दैट इंट्राडे ट्रेडर्स मेक मनी फ्रॉम कॉल ऑप्शंस। सो दैट्स ऑल इन टुडेज वीडियो। ये काफ़ी बेसिक वीडियो है आपको समझाने के लिए कॉल ऑप्शंस के बारे में। कॉल ऑप्शंस और पुट ऑप्शंस एंड ऑप्शंस इन जनरल इज़ अ वेरी वास्ट फील्ड, और इसमें काफ़ी सारे वीडियोस मैंने आगे प्लान किए हम बनाएंगे जिससे कि आपको कॉल्स और पुट्स के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी मिल सके और भी डिटेल्स में आप समझ सको। तो हमारे साथ बने रहिए, ये काफ़ी बेसिक वीडियो है और इसके बाद भी मेरे आई एम श्योर के आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल आएंगे। तो बिना डरे बिना संकोच के आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दीजिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे हर एक सवाल का जवाब देने की, और इससे हमें आगे आइडिया भी आएगा कि आपको ऑप्शंस के बारे में और किस प्रकार के वीडियोस देखना पसंद है। तो विदाउट एनी हेजिटेशन प्लीज़
पुट योर फीडबैक्स एंड कॉमेंट्स। तो अब देखते हैं कि हमने इस पर्टिकुलर वीडियो में क्या क्या देखा है। तो बेसिकली वी अंडरस्टूड दैट अ कॉल ऑप्शन इज अ यूनिक इंस्ट्रूमेंट दैट हेल्प्स यू बेनिफिट फ्रॉम राइजिंग प्राइजेस वाइल कीपिंग योर रिस्क एट द मिनिमम। आपका रिस्क मिनिमम रख के अगर प्राइजेस बढ़ेंगे तो उसका मैक्सिमम एडवांटेज आपको दे सकते हैं कॉल ऑप्शन। सो हमने ये भी देखा कि व्हेन निफ्टी राइजेस सब्सटेंशियली अबव द स्ट्राइक प्राइस अ कॉल बायर मेक्स प्रॉफिट्स। एंड लास्ट में हमने निफ्टी का ऑप्शन चेन भी देखा, पे ऑफ चार्ट भी समझा और इंट्राडे चार्ट में ये भी देखा कि कैसे उतार और चढ़ाव से एक ऑप्शन बायर या कॉल ऑप्शन बायर को फायदा या नुकसान हो सकता है। सो दैट्स ऑल इन टुडेज वीडियो। प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स। एंड हमारा एक लक्ष्य है कि हमें 100,000 लोगों तक पहुंचना है, तो आई एम श्योर कि आप इस लक्ष्य को अचीव करने में हमारी मदद करेंगे। इस वीडियो को आगे अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कीजिए, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक पहुँच सकें और उनकी मदद कर पाएँ। सो थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ नाइस डे।